वो किसके बारे में बिचिंग नहीं करते गाइस, आप सबको पता है हर लड़की के बारे में गंदा बुरा बोला है, कौन से लड़की को छोड़ा है इस पूरे शो में। बहुत कुछ सीख के आई हूँ, आई हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। इंसान की परख और बेहतर तरीके से करने लगी हूँ एंड शायद आगे भी और बेहतर तरीके से समझ पाऊँगी। एंड जो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, सो शायद मैं कुछ हद तक उस पर वर्क कर पाई। एंड या आई बिलीव दैट आई एम अ सर्वाइवर, आई सर्वाइव बीइंग इन द हाउस फॉर 120 डेज विच इज़ नॉट अ जोक, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इन दैट हाउस यू नो विदाउट योर पीपल, विदाउट योर लव वंस, सो डेफिनेटली आई एम अ सर्वाइवर। अर्चना भी वहाँ से अंदर गई थी। अगर आप डिजर्विंग हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि आपको जाने का एक मौका मिलना चाहिए तो आपको जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं बाहर इसीलिए भी आई थी ताकि मैं बहुत ज़्यादा क्लाउडेड थी अपने कुछ थॉट्स और इमोशंस को लेकर, जिसमें मुझे क्लैरिटी पाने की ज़रूरत थी। मैं मिस परफेक्ट हूँ नहीं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है जो जीवन में गलतियाँ नहीं करते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स की है, गलतियाँ की है, जिसके ऊपर मैंने वर्क करने की भी कोशिश की, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया और अपने गलतियों को सुधारने की भी कोशिश की। ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और सच में लोगों ने प्यार किया है और सच में लोग मुझे टॉप 5 में देखना चाहते थे। यू नो कल भी मैं जब बिग बॉस की शूटिंग कर रही थी, वहाँ पे भी जो यूनिट वाले थे, या आज मैं लिफ्ट के अंदर व्हेन आई बम्प्ड इनटू पीपल, और ऊपर जब मैं कॉफ़ी पीने गई थी, यू नो आई बम्प्ड इनटू सम मोर पीपल जो रील्स बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, एवरीबडी वॉज लाइक वी लव्ड यू इनसाइड द हाउस, वी लव्ड योर गेम, एंड इट इज़ शॉकिंग एंड इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस कि आप टॉप 5 में कैसे नहीं हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लगा, पता है, मतलब आज भी जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तब भी उन्होंने बोला कि तुझे कैसे कभी समझ में नहीं आया, तुझे कैसे कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पे कभी नहीं बोला, पीठ पीछे बात किया जो आप लोगों को दिखा। बट जेन्युइनली मैंने दिल से दोस्ती की यार, बट क्या होता है ना वहाँ पे, दूसरे लोग जब उस माइंडसेट से आपके साथ दोस्ती करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा आई डोंट नो उनके ग्रुप में किसी ने उनको ब्रेन वॉश किया, ये उस चीज़ को उनको बोला गया है, व्हाटएवर, बट सच में मुझे बहुत बुरा लगा। बिकॉज जब एमसी वाला वो इंसिडेंट हुआ था, यू नो जब वो मारने गया था एंड व्हाटएवर, तब मैंने बिग बॉस के कन्फेशन रूम में यही बोला था कि दोनों मेरे दोस्त थे बिग बॉस, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं अपने हाथों से, भले ही मेरा दोस्त इस वक्त गलत है, मैं उसको उसकी गलतियों के लिए उसको समझा सकता हूँ, लेकिन उसके सपने को मैं छीन नहीं सकती। यू नो घंटों बा घंटों हम छच्चे पे बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने उसके लिए कैमरे में बूबा का टी शर्ट मांगा है, मैंने हमेशा अच्छा बोला है उसके बारे में, बट आज मुझे पता चलता है कि वो बंदा कोई सुपरस्टिशियस किया होता है जो हर कंटेस्टेंट के बेड के नीचे रख देते ताकि वो एविक्ट हो जाए। वो माइंड सेट इतना गंदा है यार, मतलब कोई कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब मैं ज़िंदगी में अपने दुश्मन भी कोई होगा ना, भगवान ना करे, उसके लिए भी मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकती कि कोई सुपरस्टिशियस पिलो है और उसको आपको घर से बाहर निकालना है तो उसको आप रख दोगे। लेकिन जब तुम्हारे घर से बाहर निकालने का बारी आया था, मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से तुम थैंक यू बोल रहे थे, तुम्हारे आग भरे हुए थे, और आज तुम वो इंसान हो जिसने, चलो मुझे नॉमिनेट किया, मुझे उस बात का भी गम नहीं है, लेकिन आज जब मुझे वो दिखा कि उसने तकिए बेड के नीचे वो सुपरस्टिशियस पिलो रखा, लाइक हाउ, कैसे कर सकते हो यार। सो मैं उनको डेफिनेटली बाहर से नहीं जानती थी, मेरी उनकी मुलाकात घर के अंदर ही हुई है, एंड यू नो हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, और फर्स्ट इंट्रैक्शन में एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, चाहे आप है, मैं हूँ, हर कोई है। जब आप एक इंसान के साथ लंबा समय गुजरते हैं और ज़्यादा वक्त निकालते हैं और बिताते हैं उनके साथ, तो आपको उनके पर्सनालिटीज़, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, और मुझे ये पता चला कि ही इज़ अ मैनिपुलेटर, यू नो, एंड वो बहुत अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कभी ये बोलेंगे फिर बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, और चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं झूठ बोल के। अगर आप तीसरे बंदे को खड़े कर देंगे तो बोलेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला। सो कभी भी किसी के ऊपर भी ब्लेम्स डाल देते, सो ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा था, यू नो, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ अग्रेशन, जो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और शुरू से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, जो मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी। यू नो उसने मेरे ऊपर चार्ज करके आ गया था, एक पैकेट फेंका था मेरे ऊपर, चीज़ें फेंकना, तोड़ देना, लात मारना, आप एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते, दो बार, तीन बार दे सकते, लेकिन वो लूप में नहीं बच सकता है। सो व्हेन आई वाज श्योर दैट यू नो ही इज़ नॉट द पर्सन दैट आई कैन बी विथ, सो डेफिनेटली आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। और अगर लोगों को ये लगता है कि मैं फेक लव कर रही हूँ और ये चीज़ें फेक कर रही हूँ, तो मैं आखिरी तक फेक करती ना गाइज़,
तो मैं अपना स्टैंड नहीं लेती, जब मुझे पता है कि फिनाले 2 हफ्ते या कुछ दिनों की दूरी पे है तो मैं फेक कंटिन्यू करती रहती, फिर बाहर आके डिसाइड करती मेरी ज़िंदगी है, किसी को क्या पता चलता। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करना था, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमन जिसने हमेशा अपनी ओपिनियंस रखा है और जिसने हमेशा अपने सही और गलत के लिए आवाज़ उठाया है। जो मुझे गलत लगता था मैंने बोला ये गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, और उसकी वजह से अगर मैं गलत दिखी बाहर आई एम सॉरी फॉर माई एक्शंस, बट मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। मेरी और प्रियंका की अचानक से दोस्ती नहीं हुई है, हमारी दोस्ती 8-9 हफ्ते से हुई है, एंड वो भी इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी दोस्ती का बॉन्ड बिल्ड हुआ है, एंड लास्ट फ्यू वीक से हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हुई है, एंड आई चेरिश आवर फ्रेंडशिप, इट इज़ ब्यूटिफुल। दो स्ट्रांग हेडेड लड़कियाँ जो अपनी ओपिनियंस रखते हैं, अपने मुद्दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं, जिनके ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हर टास्क में टीना ही होना चाहिए, प्रियंका का ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क में प्रियंका ही होना चाहिए, हम के अपने अपने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, भले ही वो मैच ना करे, ओपिनियंस मैच ना करे, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग और ब्यूटीफुल है, दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली चेरिश, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव समवन लाइक प्रियंका, एंड शी इज़ एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल सोल। सी, आप लोगों को सबको दिख रहा है क्या सच्चाई है क्या झूठ है, आप लोगों को दिख रहा है कि कौन एक्टिंग कर रहे हैं, एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मैं अपना स्टैंड ले पाई, और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला कि कौन बार बार लोगों के पास जाके किसकी बारे में बातें कर रहे हैं ऑन अ लूप, कौन एक्टिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इज़ अ बेटर एक्टर देन अ पर्सन, यू नो। सो या आई मीन बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिला, एंड अभी भी वो घर के अंदर है, सो बहुत कुछ आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत स्ट्रांगली पुट अक्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली पोर्ट्रे हो जाता है, बट दैट इज़ हु आई एम, एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आई स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग्स, आई स्टैंड अप फॉर द रॉन्ग थिंग्स, कि अगर ये सही है तो ये सही है, गलत है तो ये गलत है। उसके बारे में जब आप मूवफट होते हो, जो आपके दिल में है आप बोल देते हो ना, आप इतना मैनिपुलेट करके जब चीज़ें नहीं बोलते हो डिप्लोमेटिक तरीके से या शुगर कोट करके, तो आपको जज किया जाता है, विच इज़ ओके, एंड पीपल हैव जज मी अर्लियर ऑल्सो, विच इज़ ओके। सो इट्स ओके, मैं ये बोलती हूँ कि मैंने सच्चाई बोला है, मैं मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैंने वो चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। मैं इंसान को, हर इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ओके फाइन ये सब एक्चुअली यू नो मे बी, और ये चीज़ मैंने तभी बोला जब मेरे ऊपर 2-3 हफ्ते से ब्लेम गेम चल रहा था, यू नो, और इट वॉज़ जस्ट गेटिंग टू मच ऑन मी, जब मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ कि ये तो ऐसी है, वट एवर जो भी मेरे बारे में बोला गया, मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है, दैट्स वेन आई वेंटेड आउट, एंड दैट टू वन पर्सन ओनली इन द इंटायर हाउस, कि सिर्फ प्रियंका के साथ मैंने वेंट आउट किया था, जो भी मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया था, बट इट्स ओके। टॉप 3 ऑनेस्टली जेन्युइनली बोलूँ, गेम के पर्सपेक्टिव्स को देखते मद्देनजर रखते हुए, देन प्रियंका फॉर श्योर, शिव येस, शिव के अपने ओपिनियंस और मुद्दे रहे हैं, एंड अर्चना, चाहे वो भला अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, लोगों को हर्ट कर दे या कुछ बातें अग्रेशन में गुस्से में बोल देती है बिना सोचे समझे, पगलेट है, बट दिल की कहीं ना कहीं वो अच्छी है, ख्याल भी करती है, केयर भी करती है, सो डेफिनेटली ये 3 को मैं देखना चाहूँगी। तो मैं ये मानना, ये बोलती हूँ कि मैंने अपना 200% दिया है, मैंने अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ हर चीज़ रखा है, बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट, आई एम कंटेंट नोइंग कि यू नो इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू सो मच, आई हैव लॉस्ट माई फर बेबी, मैंने अपने डॉग को खोया है, मैंने 2 बार अपना एंकल टूट गया, मेरा दांत टूट गया, यू नो आई हैड टू गो थ्रू ऑल द वीकेंड का वार एपिसोड्स एंड ट्रामा एंड एवरी थिंग, उसके बाद भी मैंने सर्वाइव किया है, सो एंड ऑफ द डे इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई केम आउट एज अ सर्वाइवर, यू नो। सो आई डोंट नो अबाउट कलर्स का फेस और वट एवर, इट मे बी डजेंट वर्क लाइक दैट ऑफ कोर्स, बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैंने अपना 200% दिया है और उसमें मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, शी डिड नॉट वॉक आउट अगेन, दैट वॉज अ रॉन्ग एडिट, शी सेड कि आई एम अपसेट और मैं पानी पीने जा रही हूँ, और वो पानी पी के वापस आ गई थी। सो सी दैट वॉज अगेन अ रॉन्ग नरेटिव, वो पूरा जो था वो उस तरह से नहीं था सिचुएशंस, इट वॉज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन जो आप लोगों को देखने को मिला था। वो उस एपिसोड में ये बोला गया था कि यू नो जब मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ एक बार सुन लीजिए कि मुझे क्या कहना है, असलियत में क्या हुआ था मुझे पता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि यू नो अगर मेरा ही डेंटिस्ट नहीं आएंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी या वट एवर, इट वॉज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट
नरेटिव ऑल टुगेदर. सो जब आप बार बार किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या बार बार अगर आप किसी एक्टर से सवाल पूछ रहे हो वो एक्टर आपको जवाब नहीं दे रहे तो आपका ऐसा हो जाता है क्यों, मतलब एक बार तो सुनो ना. होता है कि नहीं, हर इंसान का होता है. तो मेरा भी ऐसा हो रहा था कि मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, आई वॉज बेगिंग कि मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन रहे. एंड देन आई वॉज लाइक, सो वो करेक्ट, दिस वॉज माई रिएक्शन. आई वॉज लाइक मैं क्या बोलूँ अब. तो उसको फिर बोला गया कि यू नो दैट वॉज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम. अब निमृत बोल रही है एटीट्यूड प्रॉब्लम, अगर मैं बोल रही हूँ निमृत, ये आप में से किसको लगा मैं एटीट्यूडली आपको आवाज़ दिया है? सो ये आप जिस तरह से पोर्ट्रे करेंगे उस घर में, वो आपका सोच है, आपका परसेप्शन है. आई जस्ट कॉल यू, यू नो जब कल फराह मैम भी थी और कार्तिक भी था, उन्होंने भी बोला ये बहुत क्यूटली था. और जब तक मैंने किया, आप एपिसोड रिवाइंड करके भी देखना, शी वॉज इन द कैप्टन रूम, बहुत सारे लोग बैठे थे, मुझे अंदर नहीं जाना था, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. तो मैंने दूर से आवाज़ दिया कि निमृत. सो ये एटीट्यूड कैसे हो गया? उनको लगा कि मैंने दूर से ऐसे वेव करके आवाज़ दिया, मतलब मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, मेरे को रूम के अंदर जाके बुलाना चाहिए था. सो आपका सबका अपना अपना परसेप्शन. मंडली के अगेंस्ट येस सिर्फ मैं और प्रियंका ही आवाज़ उठा रहे थे, बाकी सब मंडली का हिस्सा है. अब उनको अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेलना, इंडिपेंडेंटली नहीं खेलना है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. हम बोल सकते हैं, सलमान सर भी समझाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपको ग्रुपिज्म खेलना है तो वो गलत हो जाता है, बिकॉज ये इंडिविजुअलिटी का शो है जहाँ पर आप अपना रियल परसेप्शन लोगों को दिखाते हैं. सो वो थोड़ा सा आगे के लिए, बाकी सीजन्स के लिए थोड़ा सा. वो किसके बारे में बिचिंग नहीं करते गाइज, आप सबको पता है हर लड़की के बारे में गंदा बुरा बोला है, कौन से लड़की को छोड़ा है इस पूरे शो में, आप सबको पता है. बट ठीक है, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी, हिज परसेप्शन. थैंक यू.